नमस्कार में आपका स्वागत है सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बाद नेतागण अब इसे खाली करने के बजाय इससे बचने का बहाना तलाश कर देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने बढ़ती उम्र और गिरती सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से बंगला खाली करने को लेकर रियायत देने की मांग की है मुलायम ने इसके लिए दो साल का वक्त मांगा है और इस दौरान अपने लिए समुचित घरों का इंतजाम करने की बात भी कही है मुलायम से पहले उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस संबंध में कोर्ट का रूप कर चुके हैं उन्होंने बंगला नहीं खाली करने के लिए अपनी सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई का सहारा लिया अखिलेश यादव के निजी सचिव गजेंद्र सिंह ने भी पिछले हफ्ते राज्य संपत्ति अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा था जिसमें समय की कमी और अभी तक कोई उचित जगह नहीं मिल पाने का तर्क देकर वक्त मांग गया था वहीं एक और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बताया कि वह जिस तेरा मॉल रोड स्थित बंगले में रहती है उसे खाली नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और उनके राजनीतिक मेंटर काशी का स्मारक है मायावती तेरा मॉल एवेन्यू नाम के जिस सरकारी बंगले में रहती है उसे दो सरकारी बंगलों को जोड़कर बनाया गया है 2011 में इसे काशीराम संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था और इसके कुछ कमरों में ही वो रहती हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भेजे पत्र में मायावती ने यह जानकारी दी कि 13 जनवरी 2011 हजार ग्यारह को तेराम एवेन्यू को काशीराम के नाम से स्मारक बना दिया गया जिसके दो कमरों में वो रहती है हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर रखा है की वो लखनऊ में अपना सरकारी आवास चार कालिदास मार्ग खाली कर देंगे उन्होंने वहां से अपना सामान भी हटाना शुरू कर दिया है एक और पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह भी अपना बंगला खाली कर रहे हैं इससे पहले राज्य सरकार ने अखिलेश यादव समेत छह पूर्व मुख्यमंत्रियों राजनाथ सिंह राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव मायावती और एन तिवारी को सरकारी बंगला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को एन लोक प्रहरी की याचिका आरोप फैसला सुनाते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया था कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कार्यकाल के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं है Starting.